Hello students, how are you? Hope you are doing good. I am your teacher for video editing, Ahmed Afridi. आज का जो वीडियो है, this is very, very, very important. So for TV, film and any sort of visual effect is concerned. आप अक्सर हॉलीवुड की, बॉलीवुड की और ऑब्वियसली हमारे अपने लॉलीवुड की फिल्म्स में डिफरेंट विजुअल इफेक्ट्स देखते हैं. आप कंपोजिटिंग के जो इफेक्ट्स हैं वो देख रहे होते हैं. टेलीविजन ड्रामा में, टीवी कमर्शियल्स में ये टेक्निक बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है. उसको हम कहते हैं क्रोमा टेक्निक. ये क्रोमा टेक्निक है क्या? क्रोमा टेक्निक बेसिकली ये एक ऐसा इफेक्ट है जिस पे हम किसी भी एक करेक्टर को ब्लू या ग्रीन बैकग्राउंड के ऊपर शूट करते हैं एंड देन एक की के थ्रू हम उस ग्रीन या ब्लू कलर को रिमूव करके उसकी जगह कोई भी दूसरा बैकग्राउंड लगा देते हैं. तो इस टेक्निक को हम कहते हैं क्रोमा टेक्निक. ये रेड, ग्रीन, ब्लू बेसिक जो बुनियादी कलर हैं, नॉर्मली यही कलर बैकग्राउंड पे यूज़ किए जाते हैं ताकि ये स्पेसिफिकली बहुत इजीली ये कलर रिमूव किए जा सकें. अब रेड, ग्रीन, ब्लू में भी अगर देखा जाए तो जो स्टार्ट हुआ था, इसकी जो हिस्ट्री अगर देखी जाए तो 1930 में ब्लू स्क्रीन पे क्रोमा टेक्निक इन्वेंट हुई थी. लेकिन आजकल जितनी भी मैंने ट्रेंड्स देखे हैं वो सब ग्रीन कलर्स पे ही क्रोमा टेक्निक को यूज़ करते हैं. अब ग्रीन कलर इस वजह से ज़्यादा मैक्सिमम यूज़ करते हैं, अब रेड क्यों नहीं यूज़ करते? अगर आप गौर करें तो इंसान की स्किन में जो सबसे ज़्यादा रेड, ग्रीन, ब्लू में कलर है वो रेड है. अगर मैं बैकग्राउंड पे रेड रखूँगा और फिर रेड को रिमूव करूँगा तो मेरी स्किन के अंदर जो रेड होगा वो भी रिमूव हो जाएगा. और ऑब्वियसली जब मेरी स्किन के अंदर से रेड रिमूव हो जाएगा तो मेरी स्किन का जो कलर है वो नेचुरल नहीं लगेगा. इस वजह से आपके जो करेक्टर की शेप है वो थोड़ा ख़राब होने का इसमें डर रहता है, खदशा रहता है, और जो ख़राब ऑब्वियसली हो सकती है आपकी वीडियो. सो ग्रीन आपकी स्किन में नॉर्मली कम होता है. अगर आप आउटडोर का कोई ग्रीन टेक्निक यूज़ करना चाहें तो सूरज की रोशनी में भी रेड ज़्यादा होता है, तो इस वजह से भी आप रेड यूज़ नहीं करते. ग्रीन नॉर्मली बहुत कम जो ह्यूमन स्किन में जो यूज़ किया जाता है, इस वजह से हम रेड, ग्रीन और ब्लू में प्रेफरेंस जो देते हैं वो ग्रीन कलर को ही देखते हैं. वैसे आप रेड भी काट सकते हैं, आप ब्लू भी काट सकते हैं और आप ग्रीन भी काट सकते हैं. ये आगे जाके हम आपको बताएंगे कि डिफरेंट किसी भी एक कलर को, जो किसी भी कलर का हो सकता है, रेड, ग्रीन, ब्लू, सियान, मजेंटा, वो एक कलर भी रिमूव हो सकता है. बट दिस इज समथिंग एल्स. अभी हम चूंकि बात कर रहे हैं इस वीडियो में क्रोमा टेक्निक की, तो वो नॉर्मली हम ब्लू स्क्रीन पे या ग्रीन स्क्रीन पे शूट करते हैं. अब इसको थोड़ा और आसानी के समझने के लिए आप किसी भी वीडियो करेक्टर को पीछे बैकग्राउंड एक सॉलिड कलर का ग्रीन या ब्लू रखते हैं और उसको कैमरे से शूट कर लेते हैं. फिर प्रीमियर के अंदर लाके आप अपनी मर्जी का कोई भी बैकग्राउंड नीचे रख के उस वीडियो के अंदर जो ग्रीन है उसको एक की आप लगा देते हैं और की में आप ग्रीन कलर को रिमूव कर देते हैं, तो आपका जो ग्रीन या ब्लू का हिस्सा है वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है. और उसके पीछे, वीडियो के पीछे आप कोई भी दूसरा बैकग्राउंड रखेंगे तो वो उसके साथ एक कंपोजिटिंग का एक आपके सामने फ्रेम आ जाता है जो कि आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट होता है. अब ग्रीन टेक्निक को समझने के लिए सबसे पहले ग्रीन शूट होता क्या है वो ज़रा स्क्रीन पे देखते हैं और फिर इसको रिमूव कैसे किया जा सकता है ये देखते हैं. तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि क्रोमा वीडियो कैसी होती है और इसको हम कैसे हैंडल या डील कर सकते हैं. अब देखिए स्क्रीन पे मेरे पास ये एक वीडियो है. एक ये बिल्कुल अगर आप स्क्रीन गौर से देखें तो ये एक करेक्टर है हमारा जो कि न्यूज़ एंकरिंग का है. ये इसके पीछे बिल्कुल ग्रीन एक बैकग्राउंड है और इसके साथ हमने इसको शूट किया हुआ है. अगर मैं किसी की के थ्रू ये वाला कलर रिमूव कर दूं और अपनी मर्जी का कोई बैकग्राउंड पीछे लगाना चाहूं तो वो मैं बड़ा इजीली लगा सकता हूं. मिसाल के तौर पे मैं ये मेरा एक स्क्रीन टाइमलाइन पे मैंने एक बैकग्राउंड रखा हुआ है और ये वाली वीडियो मैं इसके ऊपर रखता हूं. सेकेंड लेयर में मैंने ये वाली वीडियो अपनी ये प्लेस कर दी है. अब अगर आप इफेक्ट्स में जाएं, वीडियो इफेक्ट्स के अंदर, तो वीडियो इफेक्ट्स में अंदर कीन का एक आपको ये फोल्डर नज़र आ रहा होगा. इसके अंदर काफ़ी सारे आपको इफेक्ट्स हैं. इनमें से कलर की के थ्रू भी आप ये रिमूव कर सकते हैं, मैटे के थ्रू भी रिमूव कर सकते हैं, और नॉर्मली जो जिस कलर के लिए हम यूज़ करते हैं क्रोमा टेक्निक के लिए वो है हमारा अल्ट्रा की.
बहुत सिंपल टेक्निक है, आपने सिंपली इस अल्ट्रा की को उठा के वीडियो के ऊपर ड्रॉप कर देना है। अब आप जब इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल के अंदर आएंगे तो यहां पे आपको वो नजर आ रहा होगा यहां पे कि अल्ट्रा की यहां पे अप्लाई हो चुका है। बाय डिफॉल्ट इसका कलर ब्लैक है। अगर इस पिक टूल के थ्रू जो कलर मैं रिमूव करना चाहूं उस कलर को मैंने पिक से सिंपली इसको क्लिक कर देना है, तो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि ये इसका बैकग्राउंड वो रिमूव हो चुका है और उसके पीछे जो भी मैं बैकग्राउंड लगाना चाहूं वो मैं ये नीचे ये अपनी मर्जी से लगा सकता हूं। अब ये इतना आसान नहीं है, यहां पे अगर आप वो चीज वैसे अगर देखा जाए तो आपने क्रोमा टेक्निक एग्जीक्यूट बड़ी सक्सेसफुली कर दी है और आप ये देख सकते हैं कि आपका ये वीडियो इसके ऊपर बिल्कुल ठीक वो आ रहा है। अब ये इतना आसान नहीं है, इसकी हम थोड़ी टेक्निकलिटीज की तरफ जाते हैं। ये आपके पास मैं इस वीडियो को जो अल्ट्रा की जो मैंने लगाया था फैक्ट इसको मैं रिमूव करता हूँ, ये आपके पास एक आइडियल जो ग्रीन स्क्रीन है वो है। समटाइम आपके पास जो ग्रीन स्क्रीन होती है वो शेडेड होती है, कहीं पे डार्क शेड मिल जाता है आपको, कहीं पे ब्राइट शेड मिल जाता है, कहीं पे उसके हाइलाइट्स ज़्यादा होते हैं, कहीं पे आपको शेडो ज़्यादा ग्रीन पे मिल जाते हैं। तो वहाँ पे एक ही की दो हाइलाइट के लिए और शेडो के लिए वो काफ़ी नहीं होती। तो यहाँ पे हम थोड़ी इसकी टेक्निकलिटीज़ को भी समझना बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक वीडियो ग्रीन स्क्रीन की दिखाता हूँ। मेरे पास एक और वीडियो है ग्रीन स्क्रीन की, दैट्स इट, ये मेरे पास एक वीडियो है। यहां से मैंने ये वीडियो उठाई और ये ऑब्वियसली मैंने इस ट्रैक के ऊपर रख दिया और जो भी बैकग्राउंड आपने रखना है वो यहां पे आपने, यहां पे ये देखें, ये मेरे पास एक ग्रीन स्क्रीन है जो कि मैंने ट्रैक 2 के पे प्लेस कर दी है और ट्रैक 1 में मैंने अपना ये वाला बैकग्राउंड लगाया हुआ है। अब अगर मैं इसका ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करना चाहूं तो ऑब्वियसली मैं कीइंग के अंदर जाऊंगा, यहां पे ये कीइंग का जो आपको फोल्डर मिलेगा और इसके अंदर अल्ट्रा की, ये आप इसको सिंपली उठाएं और जिस वीडियो से अंदर आपने ग्रीन रिमूव करना है इसके ऊपर आप ड्रॉप कर दें। अब आप आएंगे इसके इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल के अंदर, तो जिस तरह मैंने आपको बताया ये बाय डिफॉल्ट ब्लैक होगा। अब मैंने सिंपली इस ग्रीन को उठाना है और किसी भी जो भी ग्रीन मैंने रिमूव करना है उस कलर को मैंने क्लिक कर देना है। तो ये देखें ग्रीन रिमूव हो गया है बट ये रिमूव नहीं हुआ। यहां पर मैं अगर आपको बैकग्राउंड हटा के दिखाऊं तो ये देखिए जहां जहां पे आपको रिमूव क्रोम ग्रीन से ही नहीं कटा हुआ स्क्रीन पे, वहां पे देखिए आपको वाइट डॉट्स और शेड्स नजर आ रहे हैं। इसका मतलब ये प्रॉपरली रिमूव नहीं हुआ। यहां पे आपको जैसे स्क्रीन पे लग रहा है कि रिमूव हो गया हालांकि नहीं हुआ। तो इस काम के लिए बड़ा टेक्निकली समटाइम आपकी आई है वो उस कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाती कि वहां पे ग्रीन प्रॉपरली रिमूव हो गया है या नहीं हुआ है। तो इस काम के लिए प्रोफेशनली जो टेक्निक यूज की जाती है वो यहां पे यूज की जाती है अल्फा चैनल की। अगर आप इसके आउटपुट में कॉम्पोजिट की बजाय अल्फा चैनल को रखेंगे तो ये आपको एग्जैक्ट सिचुएशन होगा कि आपका क्रोमा इस वक्त किस हद तक रिमूव हुआ है। यहां पे स्क्रीन पे आपको दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब आप किसी भी वीडियो का अल्फा चैनल ऑन करते हैं तो आपके पास या तो व्हाइट कलर नजर आ रहा होता है या फिर ब्लैक कलर नजर आ रहा होता है। तो समझने के लिए, सिंपल समझने के लिए बस आपको यह बात देखनी है कि जो आपकी वीडियो में जो जो हिस्सा व्हाइट होगा वो विजिबल होगा और जो जो हिस्सा आपका ब्लैक होगा वो ट्रांसपेरेंट होगा। आई मीन ब्लैक इज योर ट्रांसपेरेंट एंड व्हाइट इज योर विजिबल एरिया। तो अब अगर आप प्रोजेक्ट मॉनिटर में देखें तो यहां पे ये मेरा करेक्टर है, इसके अंदर बाल भी अगर आप देखें तो जो शेडेड है, जिसका मतलब ये भी थोड़े ट्रांसपेरेंट है, ये ब्लैक मेरा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, ये जो बाल है ये सेमी ट्रांसपेरेंट है और ये जो व्हाइट है सिर्फ ये मेरा विजिबल एरिया है। लेकिन ये अगर आप साइडों पे भी देखें तो पूरी वीडियो के साइडों पे भी आपको व्हाइट एरिया नजर आ रहे हैं जो कि आपको कंपोजिट में फील नहीं हो रहा था। इसका मतलब अगर आप इस अल्फा चैनल करेंगे तो आपको एग्जैक्ट सिचुएशन में पता लग जाएगा कि आपका जो क्रोमा है वो बहुत पुअरली रिमूव हुआ है। तो इसको कैसे डील किया जाएगा, इसके लिए हमारे पास एडिशनल कीज हैं। यहाँ पे मैटिक जनरेशन में अगर आप देखें तो ये हमारे पास कुछ 3-4 की हैं जो कि इसको बहुत ईजिली हैंडल कर सकती हैं। बस समझना आपने ये है जो इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे समझने वाली कि जब आप अल्फा चैनल करेंगे तो आपने जो अपना रिक्वायर्ड विजिबल टारगेट एरिया होगा उसको आपने व्हाइट रखना है, बाकी आपका ब्लैक होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपका फिर बिल्कुल ठीक क्रोमा से एग्जीक्यूट हो गया है।
अब यहां पे ये सबसे पहले मेरे पास जो एक की नजर आ रही है वो है ट्रांसपेरेंट। ये आपकी वैल्यू बनाएगा कि आप कितना ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। अगर मैं इसको ट्रांसपेरेंट बिल्कुल 100% यहां पे कर दूं तो देखिए इसने पूरे करेक्टर को भी ब्लैक कर दिया है, ब्लैक मीन ये ट्रांसपेरेंट कर दिया है। और अगर यहां पे मैं आपको कंपोजिट दिखाऊं तो ये देखें बिल्कुल वो ट्रांसपेरेंट हो चुका है हमारा करेक्टर। तो आपने ट्रांसपेरेंसी लेवल सिर्फ इतना रखना है कि आपका जो रिक्वायर्ड एरिया है वो बिल्कुल वाइट रहे ताकि वो बिल्कुल विजिबल रहे। तो ये मेरा करेक्टर जो था रिक्वायर्ड, ये मैंने अपना पूरा वाइट देख लिया है। इसके बारे में अभी आप जो साइडों पे वाइट है इसके बारे में आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद ये मेरा नीचे वाला जो सेकंड की है ये मेरे पास आ जाती है हाइलाइट्स की, कि आपके जो ब्राइट एरिया है उनको थोड़ा और ब्राइट करना है, या जो जो कम डार्क एरिया है उसको थोड़ा सा ब्राइट करना है, ये उस काम के लिए होता है। तो मेरे हिसाब से तो अभी तो बिल्कुल ये जो मेरा ब्राइट एरिया है ये बिल्कुल ठीक है, तो मुझे इसके लिए कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब अगर मैं यहां पे शेडो देखूं तो ये मेरा शेडो है तीसरे नंबर पे, ये सिर्फ देखिए अगर मैं इसको कम करता हूं तो ये जो व्हाइट एरिया है ये और ज्यादा ब्लैक हो रहा है। तो मैं मैक्सिमम इसको थोड़ा सा जितना मैं ब्लैक इसमें ऐड कर सकता हूं, चूंकि मैंने इस करेक्टर के अलावा बाकी सारा ब्लैक करना है, बस आपने ये ब्लैक की अमाउंट ये रख लेनी है। यहां पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है टॉलरेंस, ये आपने हमेशा कम रखना है। इसका मैं आपको फैक्ट बताता हूं, ये मैं कंपोजिट दोबारा जा रहा हूं, जितना मैं टॉलरेंस बढ़ाता जाऊंगा आप देखें करेक्टर की जो ओरिजिनल स्किन का जो कलर है और जो ड्रेसेस का कलर है वो चेंज हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? चूंकि यहां पे मैंने इस ग्रीन का टॉलरेंस लेवल बताया है, क्योंकि अगर मेरे फेस पे भी अगर ग्रीन का कुछ भी परसेंटेज है तो वो भी रिमूव कर रहा है, जिसकी वजह से इसका फेस आपको रेड नजर आ रहा है। तो ये आपने टॉलरेंस लेवल सिर्फ उतना रखना है कि जहां तक आपके करेक्टर का जो स्किन है, जो ड्रेस की जो कलर है वो ओरिजिनल रहे। तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल यहां पे ये मेरा करेक्टर जो है वो अपने ओरिजिनल फेस कलर के साथ है। तो वापस मैं अल्फा चैनल में आता हूं। अब यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये है आपका पेडिस्टल, दिस इज योर ब्लैक कलर, ये आपकी जो ब्लैक है इसको बढ़ाएगा और ट्रांसपेरेंट कर देगा। अब मैं सिर्फ इसको बढ़ा रहा हूं तो आप स्क्रीन पे देखें कि वो सारा अब बिल्कुल ब्लैक हो गया है। अब ये जो मेरा रिक्वायर्ड एरिया था अब वो वाइट है और जो बाकी हिस्सा है जो ब्लैक हो गया है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया है। अब ये मेरी अगर मैं ओरिजिनल वीडियो में देखता तो शायद मेरी आंख उसको या ह्यूमन आई उसको डिटेक्ट ना कर पाती, बट ब्लैक और व्हाइट को ह्यूमन आई बहुत इजीली डिटेक्ट कर सकती है। तो यहां पे मैं मेक श्योर कर सकता हूं कि मेरा जो ये सारा ब्लैक हिस्सा ये ट्रांसपेरेंट है और जो मेरा ये व्हाइट एरिया है ये विजिबल एरिया है। अब अगर इसको मैं कॉम्पोजिट में लेके जाऊं तो ये देखें बिल्कुल आपके सामने ये एक ट्रांसपेरेंट ग्रीन नजर आ रही है। अब ये मेरा क्रोमा रेडी है। ये आपका क्रोमा बिल्कुल रेडी है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब एक चीज आपको और बतानी है, जब आप समटाइम ये हो सकता है कि अगर आप ब्लू या ग्रीन को रिमूव करते हैं तो अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये प्रॉब्लम आती है कि करेक्टर के बिल्कुल साइड पे आपको एक ग्रीन लाइन नजर आ रही होती है, जिसको हम नॉर्मली कहते हैं स्पिल। ये एक टेंजेंट लाइन नजर आ रही होती है ग्रीन की बालों के इर्द गिर्द और बिल्कुल आपका जो करेक्टर है उसके इर्द गिर्द बिल्कुल हल्की सी लाइन नजर आ रही है। इन केस अगर इस वीडियो में तो वो ऑब्वियसली लाइन नजर नहीं आ रही, वो बड़ा ठीक रिमूव हो गया है ग्रीन, लेकिन इन केस अगर आपके पास वो ग्रीन लाइन आए तो उस काम के लिए भी यहां पे आपके पास एक टूल दिया गया है, उसको हम कहते हैं ये स्पिल एक्सप्रेशन। ये देखें इसको हम कहते हैं स्पिल एक्सप्रेशन। यहां पे सिंपली आपने इसकी रेंज थोड़ी सी एडजस्ट करनी है और यहां पे आपने ये जो स्पिल है इसको बढ़ा देना है। जैसे ही आप स्पिल बढ़ाएंगे तो आपका वो जो ग्रीन होगा उसके अंदर, ये देखें अगर मैं ये कम कर रहा हूं स्पिल तो ग्रीन ऐड होगा, अगर मैं ये स्पिल बढ़ाऊंगा तो ग्रीन जो लाइन है वो रिमूव होगी। अगर आपको बिल्कुल इस एज पे कोई लाइन ग्रीन नजर आए तो अगर आप हल्का सा उसका स्पिल बढ़ा देंगे तो ये बिल्कुल आपका जो है वो जो लाइन आपको एक साइड पे नजर आ रही होगी वो रिमूव हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद यहां पे ग्रीन कलर में अगर आप देखें तो नीचे आपके पास कलर करेक्शन भी है।
अगर आपका रिक्वायर्ड, जब आप पूरी ग्रीन बैकग्राउंड या ब्लू बैकग्राउंड रिमूव कर लेते हैं, तो समटाइम आपके ड्रेस पे, आपकी आईज पे, आपके फेस पे कुछ ग्रीन का हिस्सा अगर रिमूव हो गया तो आपका कलर चेंज हो सकता है। क्योंकि अगर आप मेरे ओरिजिनल स्किन में से ग्रीन कलर माइनस कर देंगे तो ऑब्वियसली इसका जो शेड होगा वो डिफरेंट होगा, वो नेचुरल कलर स्किन का नहीं रहेगा। तो उस काम के लिए आप हल्की सी कलर करेक्शन यहां से भी कर सकते हैं। आप इस पूरी वीडियो को देखें कि मैं यहां पे अगर इसको हल्का सा सैचुरेट करना चाहूं तो ये मैं सैचुरेट भी कर सकता हूं। ये देखें, ये बिल्कुल डिसैचुरेट है ये मेरी वीडियो, और ये हल्का सा मैं कलर सैचुरेट कर रहा हूं। यहां पे आप ह्यू भी एडजस्ट कर सकते हैं। ह्यू मीन आप इसका टेम्परेचर क्या रखना है, आप इसको कूल कलर थोड़ा रखना है या वार्म कलर में थोड़ा शेड आ रहा है, तो यहां से आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहां से अब मैं येलो ऐड करता हूं और लेफ्ट साइड से आप रेड ऐड कर सकते हैं। तो यहां से आप ल्यूमिनस भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये इस एक्चुअली आपकी जो ओवरऑल ब्राइटनेस होती है ये उसको कंट्रोल करता है। तो यहां पे ये देखिए, बिल्कुल उसके हिसाब से मैंने एडजस्ट कर दिया है कलर थोड़ा सा। तो ये आपका क्रोमा बिल्कुल रेडी है। अगर आप इस वीडियो को थोड़ा सा सम अप करने की कोशिश करें तो आपने करना क्या है, बहुत सिंपल है। आप जो भी आपकी वीडियो है आपने वो ट्रैक अपने टाइमलाइन पे रखना है, और उसके नीचे जो भी आप बैकग्राउंड लगाना चाहें वो रख लें। आप बैकग्राउंड रखें तो आपको एग्जैक्टली अंदाजा हो जाएगा कि आपका करेक्टर उसके ऊपर किस तरह का फिट हो रहा है। आप बैकग्राउंड नीचे रखेंगे और ऊपर वीडियो रख के सेकेंड लेयर पे आप इस पे इफेक्ट्स में जाएंगे और वहां से कींग में अल्ट्रा की का जो इफेक्ट है वो आप इस पे अप्लाई कर देंगे। अल्ट्रा की के अप्लाई करने के बाद आपने सिंपली ये पिक टूल लेना है, और पिक टूल लेके आपने किसी भी ग्रीन के एरिया को जो आप हिस्सा रिमूव करना चाह रहे हैं उसको आपने ये क्लिक कर देना है। उसके बाद आप इसको कॉम्पोजिट से अल्फा चैनल में कन्वर्ट करेंगे, और फिर आपके पास ये नीचे जो है मेटे जनरेशन में ये कीज आ रही होंगी, ट्रांसपेरेंसी आपने जो देखने वाली चीजें वो सिर्फ तीन है। आपने ट्रांसपेरेंसी को सेट करना है कि अपना जो रिक्वायर्ड फ्रेम है, आपका जो रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट है वो वाइट हो, और उसके बाद आपने नीचे शेडो मिनिमम रखना है ताकि डार्क वो ज्यादा ना हो, और यहां से टॉलरेंस लेवल आपने उतना रखना है कि आपका ओरिजिनल स्किन का कलर वो डिस्टर्ब ना हो, और देन आपने ये यहां से पेडिस्टल मैक्सिमम रखना है, तो ये आपका क्रोमा बिल्कुल फिट हो जाएगा। और फिर दूसरा हमने ये देखा था कि इन केस अगर आपकी वीडियो में कुछ ग्रीन लाइन आ जाए तो आप स्पिल रिमूवर को, जो स्पिल है उसकी क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा देंगे तो आपका वो ग्रीन लाइन भी कवर हो जाएगा। अब इस वीडियो को डिफरेंट आगे जो हम ग्रीन कलर की भी पढ़ेंगे, हम मैटे कलर भी देखेंगे, तो वहाँ पे ये क्रोमा हम किस तरह इसको ट्रीट कर सकते हैं वो एक अलग टेक्निक है, लेकिन जो नॉर्मली जो वर्ल्ड वाइड यूज़ की जाती है वो ये अल्ट्रा की ही है। उम्मीद है कि आज की वीडियो के बाद आपको क्रोमा टेक्निक के बारे में बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, और आप किसी भी वीडियो की जो बैकग्राउंड है ब्लू या ग्रीन है उसको रिमूव करके अपना एक रिक्वायर्ड बैकग्राउंड लगा के एक कंपोजिट वीडियो बना सकते हैं। सो अब तक के लिए सिर्फ इतना ही, अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ हम मिलेंगे। अंटिल देन, बाय बाय।